हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करने वाले हैं साइंस टू के एट चैप्टर दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत ही प्यारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो आपने सेवेंथ चैप्टर से देखा जो आपने लास्ट ईयर से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सीखा था उसी का कंटिन्यूएशन है यह पूरा अगर आपने Uh, अगर आपने सेवेंथ चैप्टर नहीं वीडियो देखा है तो पहले वो वीडियो देखेगा एंड मैं आपको इसमें यह भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से नाइन्थ स्टैंडर्ड में अगर आपने जो हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर अगर वो भी आपने ठीक से तब नहीं पढ़ा था लास्ट ईयर तो एक बार जरूर स्कैन करिएगा वो चैप्टर को ताकि यहां पर बहुत सारी चीजें और आसानी से समझ में आए एंड यहाँ के क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से यू नो सॉल्व कर सके तो ये चीज पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा हालांकि जितनी चीजें है हो सकती है जितनी चीजें पॉसिबल है मैं यहाँ पे आपको सारे आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी तो so, सबसे पहले बात करते हैं कि सेवेंथ चैप्टर में जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखा था उसमें हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है कैसे हम ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके कैसे हम अपनी लाइफ बेटर करते हैं सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है सेल बायोलॉजी जिसे टेक्निकली साइटोलॉजी भी कहा जाता है जिसे टेक्निकली साइटोलॉजी साइटोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सेल सेल की स्टडी करके उसके ऊपर रिसर्च करके उससे हमें क्या फायदा होता है वो सारी चीजें करना दैट इज साइटोलॉजी उसी के अंदर हमने सेवेंथ चैप्टर में देखा था कि बायो का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं बायोकेमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री. फिर हमने बायो केमिस्ट्री में हमने क्या देखा था बायो केमिस्ट्री में हमने देखा था कैसे हम लोग वैक्सीन वगैरह क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ये सब बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है फिर हमने देखा था कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी इस्तेमाल करते मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि जिसके अंदर हम लोग डीएनए यानी हमारे जीन्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर हम लोग डीएनए के अंदर फेर बदल करके हम हमारे ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए हम लोग चेंजेस ला सकते हैं तो दीज आर जस्ट सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके बेसिस पर हम यहां पर साइटोलॉजी मेन स्पेसिफिकली ज्यादा हम बात करेंगे एंड इसके और एप्लीकेशन हम लोग जो मॉलिक्युलर uh, बायोलॉजी में करते हैं बायोकेमिस्ट्री में जो ऑलरेडी हम लोग सेवन चैप्टर में देख चुके हैं कि कैसे हमने अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स में एंड अलग अलग वैक्सीन बनाने में पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये सब में हमने इस्तेमाल किया था तो ये सारी चीज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सबसे पहले जो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन सारे के सारे लास्ट ईयर नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़े थे उसके बेस पे ये क्वेश्चन है इसीलिए यहां पे कैन यू रिकॉल है जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे लेकिन एक क्विक रिविजन हम करेंगे जरूर कि सेल क्या होता है तो बहुत ही सिंपल सा आपको पता होगा एक हरेक, हरेक हमारा ऑर्गेनिज्म का सबसे स्ट्रक्चरल सबसे बेसिक सबसे फंक्शनल यूनिट जिसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ सेल हमारे बॉडी का ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे छोटा हिस्सा उसे हम सेल कहते हैं बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो बनता है टिश्यू तो सेकंड क्वेश्चन आपका वही है कि व्हाट इज अ टिश्यू तो बहुत सारे सेल जब आपस में मर्ज हो जाते हैं तो बन जाता है वो एक टिश्यू नाउ हमारे बॉडी में आप ये जानते ही होंगे अलग अलग ऑर्गन होते बहुत सारे टिश्यूज जब फॉर्म होते एक साथ तो उससे उससे क्या बनता है ऑर्गन बनते हैं नाउ हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन अलग अलग है अगर अगर अलग अलग ऑर्गन है डिफरेंट ऑर्गन है इट मीन्स अलग अलग टिश्यू होंगे कॉमन सेंस की बात है इट मीन्स अलग अलग टिश्यू होंगे इट मीन्स अलग अलग सेल होंगे इट मीन्स अलग अलग सेल होंगे डिफरेंट सेल्स होंगे तो ये जो डिफरेंट सेल्स आए तो ये सब कैसे शुरुआत हुई ये सब कहां से शुरुआत हुई तो हम तो एक सिंगल सेल जायगॉट हम तो एक स्टार्टिंग में पहला तो सिंगल सेल एक बनता है हमारा राइट right? जायगॉट जिसे हम कहते हैं ट फॉर्मेशन जो हमारा एग एंड स्पर्म के मदद से जो पहला फॉर्म होता है सेल जिसे हम जाएगाट कहते हैं वो तो एक सिंगल सेल था तो वो कौन से टाइप का सेल था वो कौन से टाइप का सेल था क्या वो मेरे कौन से ऑर्गन का सेल था क्या वो मेरे हार्ट ऑर्गन का सेल था क्या वो मेरे स्टमक के ऑर्गन का सेल था क्या वो मेरे हाथ पाओ या कौन से ऑर्गन का सेल था जिसके अंदर से वो टिश्यू बना और फिर वो ऑर्गन बनता है तो वो जो पहला सेल था वो जो फर्स्ट सेल था स्टार्टिंग में जितने कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं कुछ समय तक आ, करीबन 14 डेज का पीरियड होता है 14 डेज के बाद सेल के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सेल आ जाते हैं तो ये जो स्टार्टिंग के 14 डेज में जो सेल्स होते हैं हमारे जो बॉडी का जो वो फीटस होता है जो इन्फेंट इन्फेंट भी नहीं बोलेंगे फीटस एग्जैक्ट वर्ड होगा उसका जो फोर्टीन डेज में जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे कौन से सेल्स है ये सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द मेन टॉपिक तो टिश्यू कल्चर क्या होता है वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं हमने लास्ट टॉपिक में भी बात की थी आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था टिश्यू कल्चर तो टिश्यू कल्चर का भी एक बार बात कर लेते हैं टिश्यू कल्चर क्या होता है टिश्यू कल्चर के अंदर मैं किसी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू कलेक्ट करूंगा कोई भी बॉडी पार्ट से और उस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ टिश्यू में से पूरा ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो कर सकता हूं पूरा ऑर्गेनिज्म उसमें से उस पर्टिकुलर सिर्फ उतने से टिश्यू में से पूरा ऑर्गेनिज्म वापस से डेवलप कर सकता हूं इसी चीज को जब मैं लेबोरेटरी में करता हूं ये चीज को उसे मैं टिश्यू कल्चर कहता हूं ये मैंने एकदम आपको सिंपल टर्म्स में बताया अगर उसका टेक्निकल डेफिनेशन पूरा जानना है तो आप नाइन्थ स्टैंडर्ड की बुक जरूर पढ़िएगा ओके okay, में आपको पूरा एक्सैक्टली exactly दिया हुआ है कि टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक इन विच एक्स वीवो अगर आपको याद होगा नाइन का एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम इज डन तो एक्स वीवो का मतलब क्या होता है आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म Outside the living organism, इसका meaning होता है विवो तो मैंने एक living organism में से टिश्यू कलेक्ट किया उसके अंदर से पूरा एक फिर से डेवलप किया laboratories में अलग से और fastly पूरा किया एक ऑर्गेनिज्म वापस से जिंदा उसी को मैं कहता हूं टिश्यू कल्चर पूरा ओके सो so, यहां पर एक पहले तो डायग्राम दिया है उसको हम स्टडी करेंगे ये आपको लास्ट ईयर था ये डायग्राम अगर आपको ये याद होगा तो ये मैंने इसलिए नाइन्थ स्टैंडर्ड का पीडीएफ भी ओपन करके रखा है आपको बताने के लिए जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने देखा था वही पूरा आपको रिविजन दिया हुआ है सो so यहाँ पर उन्होंने टिश्यू कल्चर का प्रोसेस बताया हुआ है जिसके अंदर बनाना प्लांट बनाना जो आपका प्लांट है उसमें से उसका हमने ये सोर्स प्लांट हो गया जिसमें से मैंने एक टिश्यू ले लिया दैट इज बेसिकली कॉल्ड द बल्ब और द कॉम बल्ब कॉम ऑफ द सोर्स प्लांट इसके अंदर ये प्लांट के अंदर इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली exactly ये क्या है ये इमेज तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा लेकिन ये बीच में यहां पर होगा ओके okay? यहां पर बीच में होता है वो कहीं पर साइड में यू you नो know? ये आपको मैं अः बताने की कोशिश करूं तो आपको आपका जो कांदा होता है कांदे के लेयर जब आप छिलते हो तो सेंटर में जो आता है जो रूट्स के तरफ जुड़ा होता है जो सेंटर में निकलता है वो जो होगा वो उसका बल्ब कहा जाएगा ओके okay? तो ये एक तरह से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपको बल्ब मतलब समझने की कोशिश करना है आपको मतलब सिर्फ उतने से हिस्से से आप पूरा एक अनियन का झाड़ उगा सकते हो उसको गाड़ के उसको नरिश करके उसमें से आप पूरा अनियन के बहुत सारे झाड़ उगा सकते हो ओके okay? तो हमें वो कलेक्ट करना है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी उसको पानी वगैरह में के न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करके वो एक में से बहुत सारे मल्टीप्लीकेशन करना है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टेज आता है जिसमें बहुत सारे प्लांटलेट्स बहुत सारे प्लांटलेट्स बन जाएंगे बहुत सारे प्लांटलेट्स बन जाएंगे और फिर वो उसको और उसमें से और ग्रो होके शूटिंग एंड रूटिंग यानी हर एक के अंदर से अलग अलग ऊपर लीव्स आने लगेंगे एंड रूट्स आने लगेंगे जिसको आप अलग कर दोगे और फिर बाद में आप सॉइल वगैरह में लगा के उसको ये स्टेज है प्राइमरी हार्डनिंग उसको आप अब रूट्स वाले को हर एक प्लांटलेट्स को आप कलेक्ट करोगे एंड यहां पर आप सॉइल में लगाओगे एंड फिर उसको आप बाद में अलग अलग पॉट्स में रख के बहुत सारे बनाना प्लांट्स उसमें से निकाल सकते हो तो दैट इज सेकेंडरी हार्डनिंग तो ये पूरा आपने नाइन्थ में पढ़ा था दिस वॉज द पर्सन फ्रेडरिक स्टूअर्ड इन्होंने ही ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे इन्होंने ये प्रूफ किया था कि सिर्फ सेल्स एंड टिश्यूज के हेल्प से वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में से थोड़ा सा सेल सेल बहुत ही छोटा चीज होता है सिर्फ टिश्यू टिश्यू भी बहुत ही छोटा चीज होता है वो लेकर वो पूरा का पूरा वापस से वो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो भी प्लांट है जो भी वो फूड प्रोडक्ट है वो पूरा उगा सकते हैं यहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैरेट के साथ कैरेट के रूट में से उन्होंने सेल्स कलेक्ट किए थे उसको कल्चर किया था कल्चर यानी ये जो पूरा प्रोसेस है एंड उसके अंदर न्यूट्रिय मीडियम यानी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए थे एंड उसमें से पूरा का पूरा कैरेट उगाया था तो ये चीज फ्रेडरिक जी ने किया था ये सब आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं ओके लेट्स गो टू द करंट टॉपिक टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ चुका है अब इसके अंदर हम लोग सेल सेल के बारे में यानी सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमंस एंड एनिमल से रिलेटेड ये क्या है So so, वही चैप्टर में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है कितने टाइप्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है तो ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो दिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और उसी की स्टडी जब हम करते हैं तो उससे कहा जाता है सेल बायोलॉजी या सिंपली साइटोलॉजी उसके अंदर हमने सेल डिजन हमने स्टार्टिंग के साइंस टू के स्टार्टिंग के चैप्टर में भी हमने पढ़ा सेल डिविजन का पूरा टॉपिक पढ़ा फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में सेल डिविजन के बारे में ही हमने देखा था राइट मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेल और भी जितने सेल से रिलेटेड जितनी चीजें है सेल की पूरी स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी ओके देर आर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी अब जैसे ही हमने ये ये चीज डिस्कवर की हमारे लाइफ में ह्यूमन हेल्थ की लाइफ में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ गए रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली डेडिकेटेड फॉर रिसर्च ऑन सेल्स आर एस्टेब्लिश एट पुणे बेंगलुरु तो पुणे और बेंगलुरु में सिर्फ इसी पे रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट है पहला नाम है नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस जो कि पुणे में है एंड दूसरा है इनस्टेम जो कि बेंगलुरु में है ये साइट्स को आप जरूर आ, आ, जरूर आप एक बार इस पे विजिट कीजिएगा साइट्स पे बहुत ही प्यारे से साइट्स है जिसपे आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या, क्या रिसर्च ये लोग की चल रही है ओके लेट्स मूव अहेड विजिट बोथ द वेबसाइट्स आपको देखो उन्होंने वही बोला है कि websites, विजिट बोथ द वेबसाइट विजिट कीजिएगा एंड वहां पे अलग अलग रिसर्च वहां पे आपको देखने मिलेगी वो जरूर देखिएगा ओके okay? लेट मी आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्ट क्लिक से भी आप जा सकते हो लेट मी शो यू इनफैक्ट लेट्स गो टू नेशनल सेंटर फॉर साइंस सेल साइंस तो लेट्स लेट इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हो एंड बहुत ही प्यारी सी साइट है मैंने विजिट की थी पहले एक बार यहाँ पे आपको सारी इनके यहाँ पे जो भी रिसर्च चल रही है उसके बारे में देखिए बहुत ही प्यारा सा इनका सेल का पूरा वो टेम्पलेट है बैकग्राउंड है यहाँ पे आपको जो भी इनके रिसर्च वगैरह चल रहा है उनके बारे में डिटेल्स वगैरह मिलेगा ये पुणे में है और यहाँ पे अवर रिसर्च तो ये देखिए इनकी अलग अलग रिसर्च है बायोलॉजी ऑफ कैंसर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काफी ये सब ये लोग रिसर्च करते हैं सेल साइटोलॉजी ने काफी हेल्प की है हमें कैंसर से यू नो कैंसर को फाइट करने के लिए एंड अदर क्रॉनिक डिजीज क्रॉनिक का मतलब क्या होता है जो लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज होती है उसे क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है डायबिटीज वगैरह जो होती है एंड दूसरा इनका रिसर्च है एंड एंड में स्टेम सेल्स रीजनरेशन ये हम लोग आज पढ़ने वाले इसके बारे में काफी कि स्टेम सेल्स क्या होता है रीजनरेशन क्या होता है तो ये सब अभी हम देखने वाले हैं इनका और एक रिसर्च चल रहा है एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन तो ये सब आप स्टडी कीजिएगा इसके ऊपर आपको लाइक इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको जरूर देखिएगा लेट्स गो बैक टू द पीडीएफ लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लेट दिस से पूरा स्टार्ट से आ जाएगा पी डी एफ ओके लेट मी गेट द पेज सो ये सारी चीजें जो है सेल की स्टडी साइटोलॉजी इसके बारे में अब हम देखेंगे कैसे इसने हेल्प की है ह्यूम ह्यूमन्स को

आ, वो क्या होते हैं वो सारे कौन से सेल्स होते हैं वो सारे स्टेम सेल्स होते हैं उसी के अंदर आफ्टर फोर्टीन डेज के टाइम के बाद अलग अलग टाइप ऑफ डिफरेंट अलग अलग टाइप ऑफ सेल बनने लगते हैं जो आपके फिर आधे मस्कुलर सेल्स बन जाएंगे आपके न्यूरॉन्स सेल बन जाएंगे आपके बोन के सेल बन जाएंगे आपके अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से वो सेल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा ओके ब्लड सेल्स अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे ओके तो स्टार्टिंग में जो होते उसे स्टेम सेल्स कहे जाते हैं तो लेट्स रीड दैट दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम है सब में ये प्रेजेंट होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है दीज सेल्स गिव राइज टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म तो एकदम सिंपल सी बात क्या कह दिया कि बॉडी में जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स है उस सभी का जन्म उस सभी को उस सभी किसमें से आते हैं वो सभी ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं उसमें से आते हैं सिमिलरली दिस सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वूंड हीलिंग इनका एक और काम है हमें जितना भी घाव लगता है उसको हील करने का काम भी ये करते हैं नए सेल्स देते हैं ओके okay? पहले के नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखा था प्लांट्स के अंदर जो स्टेम सेल्स थे उसके बारे में देखा था अब हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर खास करके ह्यूमन बींग्स के अंदर ये स्टेम सेल्स क्या कैसे क्या करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम जायॉट तो ये हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो पहला स्पर्म एंड एग्ड जब बनता है तो क्या बनता है जायगॉट वो पहला जो होता है एक सिंगल सा उसे कहते हैं दैट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वही हो गया स्पर्म एंड एग अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल्स तो स्टार्टिंग के स्टेज अर्लियर स्टेज में यानी जीरो टू फोर्टीन डेज का जो पीरियड है ये स्टेज में मास ऑफ सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स होते हैं मास ऑफ सेल्स होते हैं ऐसा धीरे धीरे इतना ऐसा मास ऑफ सेल्स ऑल द सेल्स इन द मास आर ऑलमोस्ट अलाइक ये सारे के सारे सेम होते हैं ये सबके सेम होते हैं दो सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स और इसी को कहा जाता है स्टेम स्टेम सेल्स अब एक सेल समझो बन जाएगा आपका ब्लड सेल्स बनने लग जाएगा एक स्टेम सेल सेल से आपके ब्लड सेल्स बनने लग जाएंगे एक ब्लड भी एक तरह का टिश्यू होता है आपको पता होगा ये एक स्टेम सेल्स हमारे सारे के सारे न्यूरॉन्स हमारे न्यूरॉन वाला सेल जो होता है वो बनने लग जाएगा न्यूरॉन वाला सेल्स बनने लग जाएगा एक सेल हमारा दूसरा कोई स्किन का लेयर है उसका सेल बनने लग जाएगा तो इस तरह से हर एक जो स्टेम सेल है वो एक एक कोई भी अलग अलग सेल्स में बनना चालू हो जाते हैं आफ्टर फोर्टीन डेज ओके तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में होता है अर्लियर स्टेज में वो सारा का सारा क्या होता है स्टेम सेल्स होता है ये आपको कैंसल्ड पार्ट है लेकिन इसको इसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे जरूर ड्यिंग फर्दर डेवलपमेंट दी सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंडक्शन इन द बॉडी तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि यही सेल्स अलग अलग आपके डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे और उसमें से डिफरेंट एक बार सेल बन गए वो सेम टाइप ऑफ सेल आएंगे उसमें से और वो टिश्यू बन जाएंगे और वो टिश्यू ऑर्गन बन जाएंगे और पूरा बॉडी आपका फॉर्म हो जाएगा दिस इज द डिफरेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल्स और ये जो अलग अलग हो गया उसको क्या कहा जाता है डिफरेंसिएशन ऑफ स्टेम सेल्स टिश्यूज एक बार वो टिश्यू बन जाएगा डिफरेंट द सेल्स इन मोस्ट कैन फॉर्म सेल्स ऑलरेडी बता दी कि एक बार आपका जो कोई पर्टिकुलर टिश्यू बन गया लेट्स से ब्लड का टिश्यू बन गया एक बार एक आपका स्टेम सेल है उसमें से ब्लड सेल बन चुका है पहला और उससे वो ब्लड टिश्यू पूरा बन चुका है अब उसके बाद वो जितने भी सेल्स और बनाएगा वो सारे के सारा ब्लड सेल ही बनाएगा अब उसमें से कोई और अलग सेल नहीं बनेगा ऐसा वो कह रहे हैं हावेवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी और बॉडी में वो स्टेम सेल मौजूद रहते हैं कुछ समय तक कहाँ मौजूद होते हैं वो इंपॉर्टेंट है तो यहां पर आपको मिलेगा आंसर कि स्टेम सेल्स कहां मौजूद होते हैं स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो आपका जो नाभि नाभि हम कहेंगे आपके पेट में नाभि से जो मदर के अंदर से कनेक्टेड होता है कॉर्ड उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है

जो आपके स्किन के अंडर होता है एंड आपके इंटरनल ऑर्गन के बीच में आता है दैट इज अ कनेक्टिव टाइप ऑफ टिश्यू तो एडिपोस टिश्यू वो है जिसके अंदर बेसिकली फैट स्टोरेज होता है एंड वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जब उसे चाहिए तब ओके बॉडी को सो so, ये सब जगह से आपको स्टेम सेल्स मिल सकते हैं इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द स्टेम सेल्स तो स्टेम सेल्स की मदद से हम लोग अलग अलग टिश्यू बना सकते हैं एंड जो पार्ट जनरेट नहीं हुआ वो पार्ट डेवलप कर सकते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन अब इसको प्रिजर्व करना भी कैसे कैसे प्रिजर्व किया जाए प्रिजर्व यानी उसको कैसे हम लंबे समय तक सेव करके रखे फॉर द प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैंपल्स ये जो हमने कलेक्ट करेंगे ऊपर जो देखे हमने सोर्स अलग अलग कौन से सोर्स थे कॉर्ड ब्लड यानी कि आपका अम्ब्लिकल कॉर्ड वहां के ब्लड से फिर आपका रेड बोन मैरो फिर में से मैंने आपको जो बताया जो बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है उसमें से आप उसको एक स्मॉल स्टराइल वाइल्स यानी एक तरह का कंटेनर हो जाता है उसमें रखेंगे और वो आप रखेंगे लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर होना चाहिए वन डिग्री से लेके माइनस माइनस वन डिग्री से लेके माइनस वन डिग्री सेल्सियस का उसमें आप इसको प्रिजर्व कर सकते हो और जब आगे किसको यूज चाहिए तो वो हम यूज कर सकते हैं, ओके okay? तो लेट्स लेट्स सी आगे फर्दर लेट्स सी दैट स्टेम सेल रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल रिसर्च इज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग दिस टेक्निक पोटेंशियल ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल तो इसके अंदर हमने ये टेक्निक से हम लोग बहुत ही बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज ला चुके हैं हमारे लाइफ में बेसिकली आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ आपने सुना होगा किसी का किसी का किडनी uh, डैमेज हो जाता है या किसी का लिवर डैमेज लिवर ट्रांसप्लांट तो सुना ही होगा आपने लिवर की बात करते लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते लिवर आपका किसी का खराब हो जाता है तो वो लोग डोनर का वेट करते हैं डोनर यानी कोई इनको लिवर देगा तो वो कोई पूरा लिवर नहीं देता है वो लिवर का सिर्फ एक सैंपल टिश्यू वैसा देता है वो बाद में वापस से पूरा रीजनरेट होता है तो ये लिवर पूरा वापस से रीजनरेट होके डोनर से किसी का जिसका लिवर खराब हो गया उसके बॉडी में हम लोग डालते हैं ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे प्रोसीजर है ब्लड मैच करना चाहिए अलग अलग चीजें मैच होनी चाहिए ये सब होता है बीच में लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि ये सिंपली एक डोनर ने लिवर अपना लिवर टिश्यू दिया रहता है वो पूरा रीजनरेट होके हमने जिसको रिक्वायर है, है उसको हम देते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ओके डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स तो एकदम सिंपल है हमने देखा कि ऊपर हमने देखा कि बोन मैरो से भी मिल रहा था तो बोन पे आ जाएगा एडल्ट स्टेम सेल्स हो जाएंगे वो सारे सारे और जो अर्लियर डेवलपमेंट स्टेजेस में लिया तो कौन से स्टेम सेल्स होंगे हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगे और अगर बड़े होने के बाद एडल्ट में से लिए तो वो कौन सेल्स कहे जाएंगे एडल्ट स्टेम सेल्स कहे जाएंगे Embryonic, अब अलग अलग उसको पढ़ते उसी के बारे में यहाँ पे दिया तो पहला जो सेल था वो डिवाइड होके ऐसा एम्ब्रियो में फॉर्म होने लगता है सेल्स ऑफ द एम्ब्रिय अंडर गो रिपीटेड मिटोटिक डिविजन अब आपको ये पता होगा स्टार्टिंग में मिटोटिक डिविजन ये पूरा होने लगता है फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में ये सब हमने पढ़ा था मिटोटिक मायोसिस ये सब क्या है सेल तो मैंने आपको बोला कि 14 के बाद अलग अलग होने लगेगा बोन like कुछ बोन सेल्स बन जाएंगे जिसका नाम क्या होता है ऑस्टियोसाइट्स ये सब आपको नाम याद रखना है फिर कोई हैप्टोसाइट बन जाएगा यानी कि आपके कोई लिवर के लिवर ऑर्गन के सेल्स बनने लग जाएंगे कोई न्यूरॉन्स बन जाएगा तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कोई ब्लड सेल्स बन जाएगा कोई बोन सेल्स बन जाएगा कोई लिवर सेल्स बन जाएगा ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफ्रेंसिएशन आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो यही डिफ्रेंसिएशन के पहले यानी कि ये जो 14 डेज के पहले वो जो है पूरे के पूरे उसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहे जाते हैं

तो सबसे पहले प्राइमरी सबसे पहले हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं एक से चौदह दिन के बीच के वो सारे के सारे स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहे जाते हैं विथ सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर पेरेंट सेल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑल सेल्स और इसी के अंदर पावर है आगे खुद को मल्टीप्लाई करने की और डिफरेंट बनने की तो ये सभी के माँ बाप है मतलब पेरेंट सेल्स है ये सारे क्योंकि उसी में से हमने अलग अलग सेल्स बनाए हैं पोटेंसी इसी को जो कह जाता है प्लूरी यानी कि एक से वो अलग अलग बन सकते हैं उसी को प्लूरी पोटेंसी कहा जाता है कि ये लोग खुद सेल्फ मल्टीप्लाई होते हैं एंड एक में से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं प्लूरी पोटेंसी कहते हैं इट हैजिन फाउंड दैट इफ दी स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंसिएशन ऑन द फोर्टीन डे

जैसा एनवायरमेंट चाहिए स्टिमुलस उसको यहाँ पे कहा गया है जैसा उसको एनवायरमेंट चाहिए वो उसको हमने दिया उसको हमने दिया तो इसमें से मैं जैसा वैसा टिश्यू बना सकता हूं अगर इसमें से मुझे ब्लड टिश्यू बनाना है तो मैं ब्लड टिश्यू बना सकता हूं अगर इसमें से मुझे लिवर का टिश्यू बनाना है तो मैं लिवर सेल्स बना के लिवर टिश्यू बना सकता हूं अगर इसमें से मुझे बोन के सेल्स बनाने हैं तो मैं उसको उस तरह का स्टिमुलस दूंगा उस तरह का उसको बायोकेमिकल ट्रीटमेंट दूंगा और उसमें से मैं बोन सेल्स बनाऊंगा और फिर बोन पूरा ऑर्गन बना सकता हूं तो ये जरा सोचिए बॉडी के बाहर कर रहा हूं मैं बॉडी के बाहर ये मैं लैबोरेटरी में कर रहा हूं ये बॉडी के अंदर होने वाली चीजें है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली चीज ही है उसको मैं आउटसाइड कर रहा हूं उसको मैं कहां पे कर रहा हूं आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा हूं इसीलिए उसको क्या कहते हैं एक्स वीवो तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था और लास्ट ईयर आपने पढ़ा था आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग ये सब करते हैं लैब्स के अंदर इसीलिए टिश्यू कल्चर को क्या कहा जाता है ओके okay? चलो आगे बढ़ते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स तो एडल्ट स्टेम सेल्स क्या हो जाएंगे तो कॉमन सेंस है चौदह दिन के बाद ये सारे सेल्स डिफरेंट बन गए लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी में हमारे पास स्टेम सेल्स बाकी रहते हैं तो कहां बाकी रहते हैं तो हमने ऊपर ऑलरेडी देखा बोन मैरो में मौजूद होते हैं

तो रीजनरेट देखो नाम से ही आधी चीजें नाम में ही तोड़ लो नाम वर्ड को तोड़ लो पूरा उसी में मीनिंग हो जाता है री फिर से करना री जनरेट करना यानी उसको पूरा पैदा करना री जनरेटिव थेरेपी यानी अगर समझो मेरा लिवर खराब है तो मैं कोई डोनर के सेल का लिवर लूंगा लिवर के सेल्स लूंगा वो सेल्स को मैं जनरेट करूंगा रीजनरेट करूंगा फिर से वो सेल में से पूरा लिवर ऑर्गन क्रिएट करूंगा और वो लीवर मेरे बॉडी में आ जाएगा समझ में आ रहा है तो ये रीजनरेटिव तो ये सारी चीज में ये काम आ सकता है यही तो exactly. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी स्टेम सेल्स टू रिप्लेस सेल्स तो अगर आपके बॉडी में लिवर मर गया है यानी अब वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता है उसके सेल्स डेड हो चुके हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे अब यहां पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डायबिटीज डायबिटीज के अंदर आपका पर्टिकुलर सेल जो है वो डेड हो चुके हैं तो आपको रिप्लेस करते रहना है तो आप इंसुलिन जो लेते हो वो इंसुलिन बेसिकली क्या है इट इज नथिंग बट अ रीजनरेटिव थेरेपी होता है एक तरह का ओके सो so दूसरा है आपको मायोकार्डियल इंफॉक्शन तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में बेसिकली क्या होता है जो आपके हार्ट के मसल होते हैं उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो so ये चीज ये चीज हम वापस से उसको नॉर्मल कर सके हार्ट को आपके ब्लड सप्लाई वापस से करा सके तो हम यहाँ पे ये वहां पे पर्टिकुलर सेल जो डैमेज हो गया है डेड हो चुके हैं उसको आप वापस से लाइक सेल थेरेपी के थ्रू वापस से लाते हो फिर अल्जाइमस डिजीज में यूज होता है डिजीज में क्या होता है इंसान के ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं उसकी मेमोरी वीक होने लग जाती है जिसकी वजह से और सारे जो भी मेंटल ब्रेन के वजह से जितने फंक्शंस है सारे ऑलमोस्ट ब्रेन के वजह से ही होते हैं राइट तो वो सारे में प्रॉब्लम आ जाती है अल्जाइमस डिजीज पार्किसन डिजीज में भी वैसा ही होता है जिसमें न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है हमारा तो वो सेल्स को हम रिप्लेस करते हैं विद द सेल थेरेपी और ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स जो हम किसी भी एडल्ट में से ले सकते हैं इसके अंदर है अब किसी के blood cells नहीं बन पा रहे हैं किसी का बॉडी ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा है तो उसमें हम लोग स्टेम सेल्स लेंगे और उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ब्लड सेल्स हम लोग बनाने को लेंगे तो ये क्या है ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन द कंडीशंस लाइक अनिमिया थैलेसेमिया एंड लुकीमिया अलग अलग ब्लड रिलेटेड डिजीज है जिसके अंदर बॉडी आपका ब्लड नहीं बना पाता है कभी ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाता है तो ये सारे अलग अलग डिजीजेस है कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग सेल थेरेपी के थ्रू उनको स्टेम सेल्स प्रोवाइड करते हैं जो वो ब्लड सेल्स बना के देगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमने ऑलरेडी बात कर ली लिवर वाला एग्जाम्पल मैंने जो दिया था

और बोन के टिश्यूज बनेंगे और फिर बोन ऑर्गन बन गया फिर यहाँ पर आपका आ, कार्डियक मसल मसल अलग अलग टाइप के होते हैं तीन टाइप हमने देखे थे लास्ट ईयर तो ये कार्डियक मसल एक तरह का जिससे हमारा हार्ट के मसल बनते हैं फिर आपके ये दूसरे लिवर सेल्स है लिवर से लिवर आपका बन रहा है फिर आपके इंटेस्टाइन में जो अलग अलग सेल्स जिससे इंटेस्टाइन बना है वो बनता है टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल से और फिर ऑर्गन बनता है फिर आपका न्यूरॉन जो सेल ऐसा शेप होता है जिसका जिससे पूरा ब्रेन बनता है आपका राइट तो ये स्टेम सारे के सारे वन टू फोर्टीन डेज में ऐसे होते हैं जिसको हम एम्ब्रम्ब्रिक स्टेम सेल्स भी कहेंगे और बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे तो ये पूरा एक तरह का आपका अभी का मैप हो गया जो हमने अब तक रीड किया वो ओके लेट्स रीड अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में और पढ़ेंगे हम यहाँ पे वेरियस ऑर्गन इन द्यूमन बॉडी इधर बिकम लेस एफिशियंट और कंप्लीटली फंक्शन लेस ड्यू टू वेरियस रीजन लाइक एजिंग एक्सीडेंट इंफेक्शन लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फर्टैलिटी में अकर अंडर सच कंडीशन हाव एवर इफ अ पर्सन गेट्सरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन इट्स लाइफ कैन बी सेव तो आप कह रहे हैं कि इंसान की हालत इंसान के ऑर्गन धीरे धीरे खराब हो जाते हैं बहुत सारे रीजन है उसके या तो वो एज के वजह से या तो कोई एक्सीडेंट में किसी को कोई डैमेज हो गया या तो कोई इंफेक्शन के वजह से कुछ डैमेज हो गया या तो कोई डिसऑर्डर या कोई भी अलग अलग रीजन है जिससे किसी का ऑर्गन या कुछ डैमेज हो जाता है अब उसकी लाइफ खराब हो सकती है उसकी लाइफ फेटल यानी कि मर भी सकता है उसको हम लोग ये नेसेसरी ऑर्गन अगर रिप्लेस करके देंगे तो उसकी लाइफ बच सकती है अवेलेबिलिटी ऑफ अ डोनर अवेलेबिलिटी ऑफ अ डोनर इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लाटेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया लीवर का स्टार्टिंग में वही बात यहाँ पे अब होने वाली है कि ऑर्गन डोनर होने वाला होना चाहिए तो ही यह पॉसिबल है ईच पर्सन पेर ऑफ किडनी अब किडनी तो सबके पास जोड़ी जोड़ी में होती है एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैन अकर विदेल्प ऑफ सिंगल किडनी पर्सन कैन डोनेट अनदर वन तो आप ये कह रहे कि इंसान तो एक किडनी से भी जिंदा रह सकता है कोई इंसान अपना एक दो दो किडनी में से एक किडनी किसी को डोनेट कर सकता है सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो भी डोनेटेड तो आप कह रहे कि कुछ पार्ट्स में से तो स्किन भी डोनेट किया जा सकता है ये जनरली आप, आप सोचोगे कि स्किन कौन डोनेट करता है या स्किन किसको चाहिए तो जनरली जो वो फायर बर्न विक्टिम्स होते हैं बेचारे फायर बर्न विक्टिम्स होते हैं उनको स्किन का जरूरत होता है उनका स्किन वहां का पूरा पूरा डैमेज हो जाता है सेल एंड वहां पे उनका सेल फिर से वो डेवलप नहीं हो सकता सेल्स डेड हो चुके हैं तो उनको वो क्या करते हैं कितनी बार उनके या तो उन्हीं के खुद ही के बॉडी में जहां पे कोई अच्छा स्किन बचा है वहां से वो वापस से वो सेल लेते हैं उसको डेवलप करके बर्न हिस्से पे लगाते हैं या तो किसी और पर्सन का स्किन सेल लेके जो मैच करता होगा सब कुछ ब्लड वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैच करता होगा वो फिर लेके उस पर्टिकुलर पर्सन uh, को हम लोग स्किन देते हैं ओके okay? ये सारे एग्जाम्पल थोड़े याद रखिएगा वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप डिजीज डिजॉर्डर एज एटसेट्रा ऑफ द डोनर एंड रिसिपेंट नीड टू बी पेड अटेंशन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन तो ये बात तो मैं वही आपको कब से स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए होती है कि ब्लड ग्रुप मैच करता है क्या सामने वाले को तो कोई डिजीज नहीं है पहले से कोई डिसऑर्डर नहीं है उसका एज क्या है ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ती है वो ट्रांसप्लांट करने से पहले अगेन आपको सेल स्टेम सेल थेरेपी का एक फोटो दिया है इमेज दिया है बहुत प्यारा सा स्टेम सेल्स है उसको आप स्टेम सेल्स आपस में खुद को रेप्लीकेट भी कर सकते हैं और हर एक स्टेम सेल में से आप अलग 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 देखिए आपको डिफरेंट बता रहे हैं अलग अलग आप सेल बना सकते हैं ये न्यूरॉन रहा एक एक बॉडी का मसल सेल रहा एक नॉर्मल दूसरा मसल कोई भी लिवर वगैरह का सेल बना तो ये अलग अलग सेल बन सकते हैं, तो ये अगेन एक इमेज रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज का लेट्स रीड अहेड

किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला सके अगर सोचिए जो बचपन से ही ब्लाइंड रहा है अगर उसको आपकी आपके मरने के बाद उसकी अगर उसको आइज मिल जाए तो उसके लिए तो कितनी प्यारी बात हो जाएगी राइट तो हमें ये सब आइज हार्ट अपनी बॉडी के जो भी हिस्से पॉसिबल है डोनेशन के लिए वो हमें लाइक डोनेशन के लिए साइन अप करना चाहिए दिस हैज लीड टू द इमरजेंसी ऑफ कंसेप्ट लाइक Posthumus, posthumus यानी मरने के बाद ये मैंने आपको इंग्लिश के टाइम बताया था का मतलब यानी after death, donation of the body and organ. तो कई बार तो पूरी बॉडी भी डोनेट की जाती है science वालों को science Medical College, आपने ये मुन्ना भाई देखी होगी मुन्ना भाई में वो लोग लो एक बॉडी स्टडी करते हैं तो वो बॉडी कहाँ से आई तो वो बॉडी डोनेटेड रहती है ठीक है तो वो आप अपनी पूरी बॉडी भी साइंस को डोनेट कर सकते हो ताकि स्टडी की जा सके Organ body donation, तो यही वापिस यहाँ पेड इट ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोजर या गाड़ देतेंक्शनल फॉर अटन पीरियड इवन आफ्टर डेथ अकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कंसेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन बॉडी डोनेशन है Recently, after realization that such organs can be used to save the life of the other needful person. A liberal view, a liberal view behind the concept of organ and body donation, is that after death, our body should be useful to other needful person so that their miserable life would become comfortable. Awareness about the concept is increasing in our country, and people are voluntarily donating their bodies. तो ये यहाँ पे समझना है कि पहले हर कोई की बस की बात नहीं है मतलब बहुत लोग सोचते हैं बहुत फैमिलीज ऐसा सोचते हैं जिनका ब्रॉड माइंड नहीं होता है नैरो माइंड होता है थिंकिंग थोड़ा सा वो लोग ये सब में बिलीव नहीं करते हैं तो लिबरल व्यू यहाँ पे जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आगे सोच रहे हो आप सोच रहे हो कि आपके वजह से किसी और को हेल्प हो सके किसी नीडफुल को किसकी लाइफ जो बहुत ही बेकार चल रही है उसको आप कुछ हेल्प कर सके और ये तो आपके डेथ के बाद होना है तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ऐसा तो नहीं है कि आपको जिंदा रहते हुए करना है तो आपके डेथ के बाद आपका कोई ऑर्गन किसी के काम आ सके तो वो तो बहुत ही नोबल काम हो सकता है राइट सो so यही बात यहाँ पे बोली है लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव इससे एक एक जिंदगी से बहुत बहुत लोगों को हेल्प हो सकती है राइट तो लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी सेव बाय ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन ब्लाइंड कैन रीगेन द विजन लाइफ ऑफ मेनी पीपल कैन बी रेंडर कंफर्टेबल बाई डोनेशन ऑफ ऑर्गन लाइक लिवर किडनी हार्ट हार्ट वाल स्किन एक्सेट्रा ये जो भी चीज डोनेट हो सकती है उससे बहुत लोगों की लाइफ अच्छी हो सकती है सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज तो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बोली कि पूरी की पूरी बॉडी भी डोनेट की जा सकती है रिसर्च के लिए मेनी गवर्नमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टूवर्ड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अब इसकी जागरूकता अब फॉरन कल्चर में ये बहुत कॉमन है बॉडी डोनेट करना बहुत कॉमन है जब ये नया नया कंसेप्ट हमारे यहाँ पे भी आ रहा था तो आपको पता होगा कि नहीं आई डोंट नो बट ऐश्वर्या राय जो है उन्होंने अपनी आई डोनेशन को ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट आया था तो अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को लाइक डोनेशन के लिए साइन अप करके रखा था इट मीन्स जब भी उनकी डेथ होगी उनकी ये सारे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स जो है आ, ले लिए जाएंगे ओके सो so, आप भी सोचिएगा कभी फ्यूचर में कि बॉडी डोनेशन ऑर्गन डोनेशन ओके सो so, यहाँ पे बताया है कि कौन से कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हो जनरली आईज लंग्स हार्ट पैंक्रियाज लिवर किडनी बोन स्किन एक्सेट्रा ओके नाउ बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है हम लोग कब से है पढ़ते आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो यही जो चीजें हैं हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस लाएंगे हम लोग बॉडी के अंदर और उसके थ्रू हम लोग हमारे ह्यूमन कंडीशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए करेंगे जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट यानी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया एंड कैसे हमने अपनी कोई प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया पोल्यूशन प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके वो सॉल्व कर दिया ऑयल स्पिलेज हो रहा था

एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं हमने देखा ही होगा हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं हाई यील्ड हाई हाईिंग क्रॉप हाई तो यह जोग्राफी में भी पढ़ा था तभी भी मैंने समझाया था हाई हाईिंग क्रॉप क्या होता है तो एक समझो नॉर्मल क्रॉप जो है उसके अंदर मैं पॉसिबल तो नहीं है बट मैं नॉर्मल आपको समझाने के लिए नंबर बोलूंगा लेट्स से उसके अंदर सिर्फ टेन सीड्स ऑफ वीट उगते हैं ठीक है ठीके? चलो राइस लेते हैं सिंपल होते हैं के अंदर। लेकिन अब एक वेराइटी और इसकी बुरी बात यह है कि ये जो है है, है? सिर्फ 10 seeds ही एक एक particular crop में ठीक और दूसरा एक वेराइटी सबकी वेरायटी होती है अलग अलग एक वेरायटी ऑफ है, जिसमें आते आते हैं, हैं, लेकिन ये जल्दी खराब इसकी बुरी बात यह है ये जल्दी खराब हो जाते हैं फिफ्टी सीड्स वाले जल्दी खराब हो जाते हैं और टेन सीट्स वाले भले ही कम आते हैं लेकिन ये लंबे समय तक चलते हैं ये लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं तो हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम इसका एक सीड लेते हैं और दूसरे का एक सीड लेते हैं वो दोनों के सीड के जीन्स को मिक्स करके वो दोनों के सीड के जीन्स को मिक्स करके हम लोग एक नया वेराइटी बनाते हैं जिसके अंदर अब वो पहली बात हो जाएंगे हमने जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी हो जाती है वो पूरी की पूरी और अब वो लंबे समय तक रहेंगे भी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट यहां पर इसकी क्वालिटी हमने जीन यूज किया और बहुत सारा सीड्स आएंगे क्योंकि हमने इसकी एक जीन्स का क्वालिटी इस्तेमाल किया तो ये पूरा कंसेप्ट जो आप एक्चुअली लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो आप पहले की चैप्टर्स वगैरह में भी मेरे मेरे से ही सुन चुके हो वही चीज को हम कहते हैं जेनेटिक चेंज करना एंड दो चीज को मर्ज करना अलग अलग को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है यहां पर हम बेसिकली देखेंगे प्लांट्स का तो हम पहले देख चुके हैं यहां पर हम मोस्टली बात करेंगे एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर ये सब कैसे हम लोग करते हैं वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मॉलिकल बायोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया की साइटोलॉजी जिसके बारे में ऊपर हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी जो हमने लास्ट ईयर और अभी सेवन चैप्टर में भी पढ़ा ये सब ही बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है देर इज अ अंडरेबल प्रोग्रेस मेनली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में और फार्मेसी में बहुत ज्यादा इसमें हमने प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटी हम लोग करने लग गए हैं बिकॉज ऑफ दैट जिसके वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया हमारे यहाँ पे राइट

उसी को कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इन फार्मेसी एक्सपेरिमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विटामिन हारमोन लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुल तो ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था और मैंने पहले भी आपको बात की कि मेडिसिन अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके या कोई भी जेनेटिकली वेरिएशन करके हमने वायरस वायरस हमने अब कोरोना के वायरस को कैसे उसका एंटीवायरस हमने वैक्सीन कैसे क्रिएट किया वैक्सीन कैसे बनता है किसी भी चीज का किसी भी चीज का वैक्सीन कैसे बनता है तो वैक्सीन इज नथिंग बट वो हमने उस पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने वाला अलग से कुछ हमने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके एक बैक्टीरिया क्रिएट किया होगा या कोई भी हमने अलग यू नो वेराइटी ऑफ वायरस क्रिएट किया होगा जो उस पर्टिकुलर चीज को मार देगा पहले से ही ओके तो उसी को वैक्सीन कहा जाता है जो पर्टिकुलर वायरस को आपको आपको हमला करने नहीं देगा वो अपनी बॉडी के ऊपर ओके okay? तो ये सब अलग अलग प्रोग्रेस हमने किए हैं फार्मेसी के अंदर हाई क्लास ऑफ क्रॉप हाई क्लास वेराइटीज ऑफ क्रॉप हैव बिन डेवलप थ्रू टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर तो ये बात भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी और अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कैसे हाई क्लास वेराइटी ऑफ क्रॉप अवेलेबल है और भी कुछ एरियाज दिए हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है लेट्स जस्ट रीड इट आधे आप ये सब पहले से पढ़ चुके हो आप जानते हो ये सारी की सारी चीजें यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगट प्रोडक्शन फ्रॉम फ्रॉम योगट प्रोडक्शन मिल्क एंड एल्कोहल फ्रॉम मोलेसिस तो हमने योगट प्रोडक्शन में देखा था कैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं हमने देखा था मोलेसिस शुगर मोलेसिस वगैरह में से कैसे एल्कोहल बनाते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल से तो ये क्या है दिस इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द ऑफ द सेल्स फॉर प्रोडक्टिविटी के लेके यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि ज्यादा बेटर प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोडीज वैक्सीन अब भी मैंने आपको वैक्सीन का बात कहा था एंटीबायोटिक्स हमने देखे थे लास्ट चैप्टर में विद्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स तो उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक सेल्स के इस्तेमाल से ये सारी चीजें बनाते हैं यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएन एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर तो डीएनए प्रोटीन से भी हम बेटर न्यूट्रिशन वाली चीजें बनाते हैं और उसे हम यू नो केमिकली यूज करते हैं हमारे वीट प्रोडक्शन में बोलो या आटा जो हम जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सेवेंथ चैप्टर के टाइम पे कि जो बाहर मिलता है आटा वगैरह जो मिलता है कमर्शियली जो मिलता है उसके अंदर हम उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ाते तो उसके अंदर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह इंक्लूड करते तो ये जो हम कर रहे हैं वो अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजायर क्वालिटी बाई जीन मैन्युपुलेशन तो ये ऊपर मैंने एग्जाम्पल अगेन आपको दिया था राइस का तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा था जीन मैन्युपुलेशन कर रहा था प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं यानी कि हम किसी बहुत से एक्टर्स लोग ये करते हैं आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं बट बहुत से एक्टर्स ऐसा करते हैं अपना हाइट इंक्रीज करने के लिए या अपना स्किन क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए या अपना बेटर बेसिकली लुक्स को इंक्रीज करने के लिए वो एक स्पेसिफिकली ह्यूमन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपने अंदर जेनेटिकली वो लाइक like, uh, लेते हैं बेसिकली एंड वो अपना लाइक स्किन बेटर हो जाता है उनका उनका एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाता है या उनकी हाइट ग्रो हो जाती है तो ये सब पॉसिबल हो चुका है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फिफ्थ दिया है यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोजी इन्वॉल्व इधर सेल और टिश्यू एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जेनेटिक तो ऊपर हमने देख ही लिया जीन्स का इस्तेमाल करके जेनेटिक मतलब जीन का इस्तेमाल करना नॉन जेनेटिक में हमने खाली सेल्स और टिश्यू अलग कर लिया और उसके हेल्प से हम लोग जो भी है टिश्यू कल्चर कर रहे हैं अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग सीड्स का तो वो टिश्यू कल्चर हो गया ओके okay? एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स तो हाइब्रिड मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था दो राइस वेराइटी सीड्स हमने लिए थे एक अच्छे जिसमें फिफ्टी सीड्स आ रहे थे और एक जिसका ज्यादा टाइम तक वो टिके रहते थे टेन सीड्स वाला तो ये दोनों अलग अलग सीड्स थे उनको मैंने मर्ज कर दिया तो वो हाइब्रिड मैंने आपको ये ऊपर भी बताया उसे हम हाइब्रिड कहते हैं सो so, बहुत ही सिंपल टॉपिक है खाली टेक्निकल वर्ड से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन अगर आप

लेकिन अगर अब मैंने नया बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तो अब मेरा 50 और 10 को मिला के वैसा कुछ ऐसा भारी वाला सीड का फॉर्मेशन आ गया जिसमें समझो मुझे 70 सीड आते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे तो 70 70 करके ऐसे करके मैं कितने सारे हाई यील्ड कर रहा हूं ना मैं हाई यील्ड कर रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड पर हेक्टर यील्ड हाई हो गया इंक्रीज कर रहा हूं मैं जिससे लिमिटेशन जिसमें क्रॉप लैंड एरिया लिमिटेड है ये लैंड सेम एरिया यूज किया मैंने दोनों में लेकिन यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया ओके okay? इसी को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के टाइम ग्रीन ख्याल से आगे है इस चैप्टर में में इसके बारे में थोड़ी सी इस्तेमाल किया था सीड्स का इस्तेमाल किया था एंड हमने लिमिटेड लैंड एरिया में मैक्सिमम इंक्रीज प्रोडक्शन किया था एक्सपेंसन ऑफ द डिजीज कंट्रोल है तो ये भी मैंने बात की कि, कि कुछ वेराइटी ऑफ सीज ऐसे हम लोग बनाते हैं जिसके अंदर उसको कोई इंसेक्ट कोई भी पेस्टिसाइड्स कोई भी कोई चीज उसको हार्म नहीं कर सकती है अब उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है तो हमें पेस्ट अगर उसको कोई हार्म नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर पेस्टिसाइड या कोई भी अलग से केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें हमारा खर्चा बच जाएगा तो एक्सपेंसेस बच जाएगा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटीज पर एनम हैज इंक्रीज तो अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा मैंगो सीजनल फ्रूट तो है बहुत सारे ऐसे सीजनल फ्रूट है स्ट्रॉबेरी बोलो या मैंगो बोलो या बहुत सारे सीजनल फ्रूट है लेकिन ये साल भर आपको मिलेंगे इंडिया में तो मिलेंगे ही लेकिन फॉरेन कल्चर्स में ज्यादा ये फेमस है ये सारी चीज ये साल भर मिलेगा आपको तो जरा सोचिए ये साल भर कैसे अवेलेबल है कैसे हम साल भर मैंगो या मैंगो के प्रोडक्ट्स हो गए वो कैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसको लैब्स में उगा रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसके अंदर हम लोग नेचुरली सीजन के अनुसार एक सीजन में समझो फॉर एग्जांपल दो झाड़ी उग सकते हैं ये दो झाड़ में ऐसे ही बोल रहा हूँ खाली आपको नंबर समझाने के लिए वहां में लैब्स में कम समय में सीजन के हिसाब से भी नहीं कम समय में उतने ही समय में जितना यहाँ पे दो झाड़ को उगने में लग रहा है मेरे उतने ही कम समय में उससे भी कम समय में यहाँ पर मैं 200 झाड़ उगा ले रहा हूं 200 झाड़ उगा रहा हूं तो ये जो है यही फायदा है बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीबल टाटरिटी ऑफ दॉलम पॉसिबल तो अगेन कुछ सीड्स कुछ प्लांट होते हैं वो टेम्परेचर के अनुसार टिक नहीं पाते हैं पानी का बहाव झेल नहीं पाते है या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अगर चेंज हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन हम ये सारे अलग अलग वेराइटी को मिक्स करके ऐसा हाइब्रिड सीड बना रहे ऐसा हाइब्रिड सीड्स बना रहे न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड वाला सीड बना रहे जिसके वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम हमें नड़ती नहीं है सो दैट इज़ ऑल द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये थोड़ा सा डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी रीड कर लीजिएगा कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी हमने एक तरह से ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल्स में कहीं ना कहीं बता दिया लेकिन इसे और अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी तो क्रॉप के अंदर बेसिकली क्या होगा यील्ड अगेन हाई हाई यील्डिंग एंड वेरायटी अलग अलग वेराइटी हम इससे हम लोग करते हैं ओके okay? उगाते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड एंड वेराइटी हाइब्रिड सीड्स कब से मैं बात कर रहा हूं इसकी जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप आर रिकम्बाइन टू फॉर्म अड ऑफ वेरियस क्रॉप दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स तो फ्रूट्स वगैरह में होता है दो अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को हम लोग मर्ज करेंगे जीन्स को और हाइब्रिड सीड्स बनाएंगे तो देखिए आपने कॉलीफ्लावर नेचुरली ऐसा होता है लेकिन ऐसे कलर का भी बनता है ऐसे कलर का भी बनता है ओके फिर कॉर्न जो होता है ये ऐसे कलर में भी आता है येल्लो जो नेचुरल है और फिर ऐसे कलर में भी आता है तो ये अलग अलग आपको देखने मिलता है ये सब हाइब्रिड के वजह से पॉसिबल है सेकेंड उसके अंदर आया क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेकेंड बी पॉइंट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमसी ये पूरा आपका टॉपिक ही था लास्ट ईयर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्रॉप डेवलप विद डिजायर कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरन जीन विद विदर जिनोम आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो जो क्रॉप मैं उगाता हूं जिसके अंदर मैंने एक फॉरेन जीन यानी वो उसका जीन नहीं है वो उसके डीएनए में मौजूद नहीं था फॉरन जीन मैंने कोई अलग जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है और फिर मैं उगाता हूं तो उसे मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कहूंगा हाई यील्डिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज वीड्स अदर अदर स्ट्रेस लाइक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड तो ये सब मैं दिमाग में रखता हूं कि मेरे को हाई यील्डिंग चाहिए उसको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए उसको कोई वीड्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको कोई टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ये सारी चीजें उसको सॉइल की एल्केलिनिटी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो ये सब मैं दिमाग में रख के उसके अंदर जेनेटिकली चेंज करता हूं उसका जेनेटिक कोड चेंज करता हूं और उस चीज को मैं कहूंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बीटी कॉटन बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी कॉटन बीटी कॉटन अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बेसिल एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन तो यहां पर हमने ये जो बैक्टीरिया है उसमें से हमने ये लिया एक जीन को और कॉटन के जीन के अंदर डाला उससे क्या हो गया ड्यू टू दिस द टॉक्सिक विच इज फेटल फॉर बॉल वॉर्म्स वॉज प्रोड्यूस इन द लीव्स एंड द बॉल्स ऑफ कॉटन तो इससे क्या हो गया तो अब हमने एक पहले तो बैक्टीरियम बेसिलस थरिंगिएनेसिस से एक जीन लिया उसको हमने कॉटन के जीन यहां पे कॉटन ये कॉटन है कॉटन के जीन के अंदर मिक्स कर दिया अब वो जो प्लांट उगा उसके लीव्स के अंदर उसके लीव्स के अंदर ये अब एक टॉक्सिक पैदा हो गया जो बॉल एक तरह का लार्वा होता है एक तरह का इंसेक्ट एक तरह का आ, लार्वा होता है आ, इंसेक्ट समझ लो सिंपल सा वॉर्म होता है जो उसके लीव्स को खाता है और वो हमारे प्लांट को खराब कर देगा तो उसके अंदर ये जीन डालने पर वो टॉक्सिक हो गया बॉलवॉम्स के लिए तो ये अब मेरा कॉटन प्लांट हार्म करने को नहीं आएंगे तो ये लॉजिक आपको यहां पे समझना है नाउ इफ फीड्स ऑन द लीव इट्स एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइज तो अब अगर उसने समझो अब बॉलवॉम को तो आप आप सोचोगे सर उसको थोड़ी पता होगा कि लीफ के अंदर क्या है तो बॉलवॉम जैसे अगर एक पत्ता भी खाएगा इमेजिन करो एक पत्ता भी खाएगा तो वो एक पत्ते में ही खा के मर जाएगा राइट तो वो बाकी के पत्ते तो सुरक्षित रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे तो ये चीज यहां पर हमने अचीव की जिससे हमारा कॉटन प्लांट सुरक्षित रहता है ना दूसरा है बीटी ब्रिंजल बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंजल इज डेवलप बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम आइसोलेटेडिस सेम अगेन हमने फिर से बसिलस में से ब्रिंजल के अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस किया अगेन जिसके अंदर ब्रिंजल को खाने वाले जो पेस्ट होंगे वो मर जाएंगे दिस इंप्रूव द वेराइटी ऑफ ब्रिंजल किल्स देखिए मार डालेगा पेस्ट इन द सेम वे एज द बीटी कॉटन डस तो सेम तरीके से ब्रिंजल प्लांट को खाने वाले जो पेस्ट होंगे जर्म्स होंगे वर्म्स होंगे वो, 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 वो सब मर जाएंगे अगर एक बार वो खाएंगे तो तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो बचे हुए बाकी के जो मतलब जिसको नहीं खाए हैं वो सारे बचे रहेंगे ओके okay? नेक्स्ट है गोल्डन राइस तो अजीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए बीटा कैरोटीन तो ये हमने देखा था सेवेंथ चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कार्बन कंपाउंड के टाइम भी हमने शायद से बात की थी इसकी कलर color, कलरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा कैरोटीन जो कैरेट से मिलता है ओके विटामिन ए बेसिकली होता है वो बेटा कैरोटीन हैज बिन इंट्रोड्यूस इन द वेरायटी ऑफ राइस तो इसको हमने राइस के अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने इसको, इसको इस्तेमाल किया हुआ है तो उसका कलर गोल्डन हो जाता है

तो उसको बचाने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप वीड्स क्या होता है अननेसेसरी जो उग जाता है मैंने प्लांट फील्ड में जो मैंने अपने क्रॉप लगाए हैं उसमें अननेसेसरी भी उगने लगेंगे तो मैं इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ यू नो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं कुछ ना कुछ हर्बिसाइड्स बेसिकली बोलूंगा हर्ब्स को मारने के लिए हर्बिसाइड्स होता है हर्ब्स को डालूंगा हर्ब्स को मारने के लिए हर्बिसाइड्स डालूंगा तो हर्बिसाइड्स क्या करेंगे मेरे ओरिजिनल क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय करेंगे लेकिन अगर मेरे ओरिजिनल क्रॉप के अंदर मैं बायोटेक्नोलॉजी के यूज से उसको मैं रेजिस्टेंस दे दू उसको मैं टॉलरेंसी दे दू तो वो सिर्फ मेरे वीड्स को नष्ट करेगा लेकिन मेरे क्रॉप्स को नष्ट नहीं करेगा इफ द आर हबीसाइड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वेराइटी ऑफ द क्रॉप आर बींग डेवलप ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स तो इसमें मैं वीड्स को ही सिर्फ डिस्ट्रॉय करूंगा और मेरा मेन क्रॉप है बचा हुआ रहेगा नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स तो ये सेम चीज हो गई यहां पे जैसे हर्ब्स का इस्तेमाल किया था वैसे फर्टिलाइजर्स का यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं तो फर्टिलाइजर आपको पता ही है कि केमिकल से बनता है बहुत सारे तो बायो अब आपको पता ही होगा हमने लास्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे बायो मतलब क्या होता है जो आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर होगा एक तरह से ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बना हुआ तो इससे क्या होगा आप केमिकल वाली चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करोगे ऑर्गेनिक बन जाओगे ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सोल्यूबिलाईजेशन एबिलिटीज ऑफ द प्लांट आर इम्प्रूव तो यहां पर हमने क्या किया केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जिसमें हमने स्पेसिफिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जिसके वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है प्लांट्स के रूट्स में आपको पता होगा ये सारा हमने पढ़ा हुआ है पहले भी फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजेशन जो होता है ये सब की उसका एबिलिटी अच्छा हो जाता है मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइज़ोबियम तो यही रूट्स में लगा रहता है एंड एजोटोबैक्टर नॉस्टैक एंड एनाबेना एंड प्लांट्स लाइक अज़ोला यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये लिस्ट बना लीजिएगा ये बना के ये लिख लीजिएगा आपको याद रहेगा ये ठीक है ये अजोला का फोटो भी दिया है, ये प्लांट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ठीक है इन द लास्ट इी हर स्टडीड द टिश्यू कल्चर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लांट्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू टिश्यू कल्चर एंड बिसाइड दोरेक्टर कैरेक्टर्स इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन सो ये हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि अगर टिश्यूकल्चर यानी कि मैं लैब्स में जब पर्टिकुलर जेनेटिकली इंप्रूवमेंट करके अच्छा प्लांट बना दूंगा और फिर उसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा यानी नेक्स्ट जनरेशन उसी में से और प्लांट बनाते जाऊंगा तो वो सारे जितने भी नेक्स्ट जनरेशन आएंगे सबके सब जो है वो बहुत ही बेहतरीन होंगे बहुत ही बहुत ही रेजिस्टेंट होंगे उनको कोई डिजीज अफेक्ट नहीं करेगी उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट इसका यूज है बायोटेक्नोलॉजी का एनिमल हजबेंड्री एनिमल हस्बेंड्री का हमने लास्ट ईयर बहुत काफी डिटेल में देखा था ये साल थोड़ा ही यहां पर हमने दिया है एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली वही हो गया कि अब मुझे आप जो अंडा खाते हो जनरली दो उसे ब्रॉयलर ब्रॉयलर एग क्यों कहते हैं वो लैब में एक तरह से उगाए वाले एग वो हैन जितनी भी है वो मुर्गिया जितनी भी है वो लैब में उगाई गई है वो नेचुरली उनका बर्थ नहीं हुआ है नेचुरल इस्लाम कहते हैं देसी अंडा अलग होता है देसी अंडा एक कहते हैं और एक व्हाइट एग जो आपको बेसिकली मिलता है वो तो ये फर्क क्या है तो एनिमल हसबेंडरी के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली इनको उगा रहे हैं इनको हम लोग पाल रहे हैं खाने पीने के लिए हमको उनसे कुछ चीज चाहिए मीट चाहिए एग चाहिए दूध चाहिए इसलिए हम लोग उसको पाल पोस रहे हैं उनको हम लोग जेनेटिकली उसको बेटर करके उनको लैब्स की हेल्प से उसको उगा रहे हैं राइट तो यहां पे लेट्स रीड इट टू मेन मेथड्स आर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है मतलब आपने खुद से आपने रियल में कोई आपस में स्पेसिफिक हमने ये लास्ट ईयर एक्चुअली देखा था दो अलग अलग जातियों की हैन या आ, मुर्ग लाइक बोलते ना एक मुर्गा और एक मुर्गी अलग अलग जातियों का लेके हमने बेटर चिकन प्रोड्यूस किया बेटर चिकन खाने के लिए हमने प्रोड्यूस किया तो ये आर्टिफिशियल मतलब वो लोग अलग अलग स्पीशीज के थे वो लोग रियल में आपस में कभी मर्ज नहीं होते थे लेकिन हमने उसको आर्टिफिशियली बाहर लैब में किया तो ये इस तरह की चीजों को हम लोग एनिमल हजबी में करते हैं इट हेल्प टू इंप्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी तो यहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि क्वांटिटी यहाँ पे जो नॉर्मल चिकन से आती थी वो बहुत ही कम होगा लेकिन अब हम लोग ने उसको लाइक बायोटेक्नोलॉजी के यूज से आर्टिफिशियल के यूज़ से अच्छी खासी एकदम तगड़ी मुर्गी पैदा की जिसमें बहुत सारा मांस है उसको हम लोग खाने के लिए यूज करने वाले इसलिए हमने उसको डेवलप किया उस तरह से और उसकी क्वालिटी भी ज्यादा बेटर होगी एग्जाम्पल मिल्क मीट वूल एक्सेट्रा सिमिलरली एनिमल्स विद मोर स्ट्रेंथ हैर्क तो हमने लास्ट ईयर अगेन नाइन्थ जरूर कहूंगा कि नाइन्थ का टेक्स बुक रिफर करिएगा ये चैप्टर उसमें आपको पूरा इमेजेस के साथ उन्होंने बताया था कि बुल वगैरह जो है उसको हमने ज्यादा मसल मसल ये हमने क्यों यूज करना है फील्ड में काम करने के लिए यूज करना है राइट तो बुल वगैरह जो है हमने हार्डवर्क करने यूज करना है तो उनको हमने स्ट्रेंथ वाला और बनाया है जेनेटिकली उनको ज्यादा बेटर किया हुआ ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या काम है तो ये ऊपर से ही हम लोग देखते आ रहे हैं अगेन थोड़ा सा और फिर डिटेल में देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ तो diagnosis यानि तो डायग्नोसिस यानी कि पहले पता लगाना डायग्नोस करना यानी कि पता लगाना कि डिजीज क्या है और पता लगाने के बाद उसको ट्रीटमेंट करना तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन हेल्थ के मैनेजमेंट के लिए एंड बायोटेक्नोलॉजी ने मदद की है ये सब करने में हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन ये जीन्स का क्या काम है वो हमें बताता है डिजीज के साथ इन एनी इन डिजीज ऑफ अ पर्सन तो डिजीज और जीन का क्या रिलेशन है वो हमें बताता है बायोटेक्नोलॉजी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स तो आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन आप टेस्ट करा के पता लगा सकते हो कि आपको डायबिटीज हो सकता है कि नहीं कितनी बार तो डायबिटीज को हम कहते हैं कि इट इज जेनेटिक पूरा जेनेटिकली आपके आपको लाइक like अगर आपके मदर या फादर को होगा तो आपको भी डायबिटीज होने के बहुत चांसेस है राइट right? तो ये जेनेटिकली जीन्स के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं और उसी के हेल्प से बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको रोक भी सकते हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं हैज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज लाइक एड्स डेंग्यू कैन बी डन विद इन फ्यू मिनट्स तो कुछ ही मिनट्स के अंदर ये सारी चीजें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पता लगा सकते हैं हेंस ट्रीटमेंट कैन बी डन और उससे क्या फायदा है डायग्नोसिस जितना जल्दी होगा ट्रीटमेंट उतना जल्दी शुरुआत हो जाएगी वेरियस मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एग्जाम्पल द हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसुलिन जो है जो डायबिटीज वाले इस्तेमाल करते हैं वो एक तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं

तो इसमें हमने क्या किया है हमने ह्यूमन का जो इंसुलिन uh, का जीन होता है वो हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला हुआ है और उसके बेसिस पे हमने वैक्सीन और वगैरह बनाया हुआ है वेरियस एंड एंटीबायोटिक्स आर इन द सेम वे और उसी तरह से मैंने आपको कोरोना वायरस का भी बताया कि कोरोना वायरस को ही हमने कोरोना को वायरस को ही स्टडी किया और उसके अंदर ही हमने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की और उसका हमने वैक्सीन क्रिएट किया हुआ आगे लेट्स मोर इसी के बारे में रीड करते हैं वैक्सीनेशन क्या है तो वैक्सीनेशन वैक्सीन क्या होता है सबको बच्चों को दिया जाता है दो बूंद जिंदगी का आपको ये पता होगा पोलियो का वैक्सीन तो पोलियो इज अ डिजीज बेसिकली आपको होने से पहले आपको वैक्सीन वैक्सीन क्या होता है आपको वो चीज होने से पहले दिया जाता है तो पोलियो में बेसिकली आपका ऑर्गन फुल्ली डेवलप नहीं होता है लेग्स हाथ वगैरह जो है थोड़ा इन प्रपोशनेट में डेवलप होता है वो ठीक से प्रपोशन में डेवलप नहीं होता ऐसा होता है पोलियो में तो वैक्सीन देने पर वो आपको अगर पोलियो का जो भी आपको हमला हुआ आपके ऊपर तो वो आपको नहीं कुछ डैमेज करेगा इसलिए बच्चों को बचपन में ही वो वैक्सीन दिया जाता है पोलियो का राइट तो वैक्सीनेशन डेवलप करने का प्रोसीजर क्या है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे वैक्सीन इज एन एंटीजन एंटीजन यानी कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला एंटी

सेफर वैक्सीन आर बींग प्रोड्यूस इससे और बेटर सेफ और बेटर वैक्सीन हम लोग बनाने लग गए आगे पढ़ेंगे नाउ प्रोटीन विच एक्ट एज इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजिन तो अब ये जो भी हम लोग ने बनाया वो एक तरह का प्रोटीन हो गया अलग अलग तरह के तो ये हम लोग पहले ही पूरा का पूरा इंजेक्ट कर देते प्योर फॉर्म में उसके Than उसको form में, या semi form में हम लोग डालते हैंजी आर मोर थर्मो स्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन थर्मो मतलब यानी टेम्परेचर के फर्क से गर्मी वगैरह के फर्क से गर्मी हीट होने के बेसिस पे उसको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो खुद मरेगा नहीं वो एक्टिव रहेगा लंबे समय तक एग्जाम्पल वैक्सीन ऑफ पोलियो देखो वही एग्जाम्पल दिया हुआ है एंड हेपेटाइटिस तो ये अलग अलग एग्जाम्पल आप याद रखिएगा नाउ एडिबल वैक्सीन क्या होता है एडिबल का मीनिंग ही होता है जिसको हम कंज्यूम कर सके एडिबल ऑयल एडिबल फूड स्टफ एडिबल यानी कि आपने ये वर्ड देखा होगा नहीं देखा होगा तो कोई भी पैकेट रैपर या कोई भी चीज के लाइक like आपका जो फूड प्रोडक्ट होगा उसमें देखिएगा एडिबल वर्ड लिखा होगा एडिबल यानी जिसको आप खा सके सिंपल भाषा में तो ऐसे वैक्सीन जिसको खाने में मिला दो पहले ही ताकि आपको अलग से देने की जरूरत ही ना पड़े और आप पहले से ही आ, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग बन जाए तो ये सारे एडिबल वैक्सीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूड प्रोडक्ट के अंदर पहले ही मिक्स कर दो सो so, वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन पटेटोज आर बींग प्रोड्यूस विद्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोग क्या कर रहे पटेटो वैसे बना रहे जिसके अंदर वो ऑलरेडी वैक्सीन अंदर इंक्लूडेड होगा दीज पटेटो आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक पटेटोज इन्हें हम लोग ट्रांसजेनिक पोटेटोज कहेंगे अब आप जरा सोचिए ट्रांसजेनिक क्यू कहा गया है सिंपल सा नाम को तोड़िए जेन जीन अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे और ट्रांस

जिसको हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग uh, करके बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडिबल वैक्सीन के रूप में बनाया हुआ है सो so, एक फोटो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको यहाँ पे यहां पे हमने आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन जो हमें जीन चाहिए जो पैथोजीन हमें पैथोजीन uh, हमने लिया है ह्यूमन पैथोजिन और हमने उसको पर्टिकुलर प्लांट वायरस के अंदर मिक्स करके उस वायरस इंफेक्ट द पीस ऑफ पटेटो लिवस और उसको फिर पूरा प्लांट उससे बनाया और ये फिर पटेटोस उससे जो बने उसको हम लोग खाएंगे तो ये पूरा जो है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं इम्यूनिटी अपना तो ये लॉजिक थोड़ा यहाँ पे आपको दिया है ट्रांसजेनिक पटेटोस का सेकेंड काय के लिए इस्तेमाल होता है ये हम लोग और काय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन सोमैट्रोट्रोफिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स तो ये अलग अलग हार्मोन्स के नाम है जो हमारे बॉडी में अगर नहीं बन पाए तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग उसे बना सकते हैं इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीज तो वायरल डिजीज अलग अलग होती है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है ये एक तरह का प्रोटीन ग्रुप है इंटरफेरॉन दे आर प्रोड्यूस इन ब्लड ये ब्लड के अंदर होते हैं हावेवर nowadays with the help of biotechnology transgenic e coli are used for the production of interferon so again ye hamare blood ke andar banta hai lekin isse hum log lab ke andar ab without uh, exactly using blood hum log biotechnology ki help se hum log e coli transgenic ke madad se uh, uh, hum log banate hai interferon Gene therapy में gene therapy हम लोग ने ऊपर ही देख लिया gene therapy क्या थी तो so अगेन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे Gene to treat तो sense जीन थेरेपी टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर तो कॉमन सेंस हैीन थे तो हमारे बॉडी में सारे के सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं और सेक्स सेल्स होते हैं यह सारा हम लोग फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल एग्जाम्पल फेनिलोरियन दट इजीकेटीज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन दैट इज लिवर सेल्स तो लिवर सेल में ये प्रॉब्लम आ जाती है इट हैज बिकम पॉसिबल टू ट्रीट इट विद जीन थेरेपी तो लिवर सेल्स के अंदर जब ये प्रॉब्लम आ जाती है पीकेटी जिसे हम कहते हैं और वो लिवर हमारा काम करना डैमेज होना डैमेज हाँ, हो जाता है काम करना बंद करता है तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जीन थेरेपी की हेल्प से उसको हम लोग फिर से बेटर कर सकते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इसको सिंस ये सोमैटिक सेल्स के लिए इस्तेमाल होती है तो इसको हम लोग सोमैटिक सेल जीन थेरेपी भी कहते हैं

एंड उसको किसी अलग से ओवम में मिक्स करके तो यहाँ पर अलग से हमको स्पर्म की जरूरत नहीं होगी देर इज नो नीड ऑफ स्पर्म टू करके पूरा लाइक क्लोनिंग कर दिया है ऑर्गेनिज्म का सेकेंड है थेराप्यूटिक क्लोनिंग में बेसिकली थेरेपी पे थेरेपी वर्ड से ये therapeutic आया है। द सेल्फ formed in laboratory by the union of somatic cell nucleus with the n-nucleated x cell various disease can be treated with the help of these stem cells similar to cells genes can also be cloned and millions of copies of same gene can be produced those can be used for gene therapy and other purposes controlling the inheritancy of hereditary disease continuation of generation enhancing the specific tendency may become possible due to cloning technique however देर इज अ वर्ल्ड वाइड ऑपोजिशन टू ह्यूमन क्लोनिंग ऑन वेरियस इश्यूज तो अब यहाँ पे पूरा कहा है कि हम लोग किसी भी डिजीज को थेरेपी, थेरेपी की तरह, क्लोनिंग हम इस्तेमाल कर सकते स्टेम सेल्स का स्टेम सेल्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जिसके बारे में साइटोलॉजिकल टाइम पे कि स्टेम सेल्स की मदद से हम लोग जो चाहे वो सेल बना सकते हैं और बॉडी को प्रोवाइड कर सकते है लेट से किसी की बॉडी ब्लड सेल नहीं बना पा रही है तो हम लोग उसको करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे हम लोग स्टेम सेल लेंगे और उसको ब्लड सेल्स बना के देंगे तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स जो खुद नहीं हो पा रहे थे वो अब हम लोग अलग से बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हम उसे करके दे रहे हैं तो इसी तरह से जैसे सेल होता है वैसे जीन्स को भी हम लोग क्लोन कर सकते हैं ताकि सेम टाइप ऑफ चीज बार 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 हम लोग कॉपी बना सके हालांकि ये बहुत ही फायदेमंद भी हो सकता है लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड ऑपोजिशन है ह्यूमन क्लोनिंग के खिलाफ यानी ह्यूमन क्लोनिंग करना अलाउ नहीं है इसके ऊपर डिबेट है अभी भी यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया है जिसमें आपको बताया है कि डायबिटीज के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन इस्तेमाल करते फिर ड्वाफिजम यानी अगर आप बोने हो तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं तो सोमैटोस्टेटिन इस्तेमाल करते एनीमिया के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग ये प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं आर्थ्रोपोटीन प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं हेमोफिलियन के लिए हम लोग फैक्टर एट प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं कैंसर के लिए हम लोग इंटरल्यूकिन नाम का आ, आ, प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग ने बनाया है एंड वायरल इन्फेक्शन के लिए ऊपर ही देख चुके थे इंटरफेरॉन इस्तेमाल करते हैं तो ये जरा याद रखिएगा ये भी लिख लीजिएगा अलग अलग जो प्रोटीन्स हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं जो अलग अलग डिजीज में हमें काम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इसका क्या काम है तो वो देखेंगे वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी इसे कहा गया है वेरियस इंडस्ट्री केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू लेस एक्सपेंसिव प्रोसेसेस फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम शुगर मोलेसिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक तो ये हमने ऑलरेडी हमने देख चुका था इसके बारे में ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दिया है कि हमने हमें अल्कोहल बनाना है एथेनॉल और वगैरह जो भी हमने अलग अलग देखा था एल्कोहल क्रिएट करना है उसके लिए मैं मैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं जिसमें मेरा एक्सपेंस कम हो जाता है मेन ओके सो so, ये एग्जांपल याद रखिएगा बहुत सिंपल सा फिर फिफ्थ वाला दिया है आपको एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी तो ये भी हम लोग एक ने एक तरह से देखा था कि कैसे हमारा पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल में भी हमने इस्तेमाल किया था राइट तो वही चीज यहां पे आने वाली है फिर से सो so, ये स्टार्ट करने से पहले जरा ये देखिए क्लोनिंग ये डॉली नामक इन्होंने ये बनाया था स्कॉटिश शिप और और दूसरे एक शिप को मर्ज करके और स्कॉटिश शिप के अंदर वो हमने वूम को इंट्रोड्यूस किया था और स्कॉटिश शिप का अंदर उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं था लेकिन जो हमने इसके अंदर जो जिस जिस शिप का हमने जीन इस्तेमाल किया था वही पूरी कैरेक्टरिस्टिक थी तो ये क्लोनिंग करके हमने ये बनाया गया था ये शिप तो ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा लेट्स रीड दिस

अलग अलग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके जो ऑक्सीडाइजेशन में हेल्प करते थे जो सुवेज वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते थे, जिससे उसका जो है वेस्टेज जो उसका जो उसका टॉक्सिक पदार्थ है वो सारा कम हो जाता था और एनवायरमेंट को अफेक्ट कम करता था और जो पानी में बाद में रिलीज करेंगे वो पानी में जो रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो भी उनको कम लाइक uh, टॉक्सिक like, होगा उनको कम असर होगा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो अगेन उसका दो पार्टीशन उन्होंने किया है फर्स्ट इज माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल वाइल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोस्ट तो यही हमने पढ़ा था पहले के चैप्टर में कॉम्पोस्ट बनाने में काम आता है सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को ट्रीटमेंट करने में एंड ये भी हमने पढ़ा था बायो रे, रेमिडेशन यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एनवायरमेंट को वापस से रेमेडी पहुंचाने के लिए बायोपेस्टिसाइड यानी वैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया है बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स बायो सेंसर्स यानी कि ऐसा ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह बायोलॉजिकल मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं दूसरे केमिकल कंपाउंड्स वगैरह एनवायरमेंट के अंदर तो उसे बायो सेंसर कहा जाता है वो सेंस करता है ठीक है तो ये सारे अलग अलग कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेट्स रीड अहेड क्या है अमिडेशन के बारे में थोड़ा सा और बात किया है? तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में बात किया था कैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके जो टॉक्सिक पदार्थ है हार्मफुल चीजें है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं या कम कर देते हैं एब्जॉर्ब याद है सल्फर सल्फर को एब्जॉर्ब करने वाला बैक्टीरिया कमेंट में मुझे नाम जरूर बताइएगा आपको लास्ट चैप्टर का याद है क्या इफ प्लांट्स आर यूज फॉर दिस पर्पज अब यहां माइक्रो माइक्रोरग्ज्म का हम लोग पढ़ चुके थे अब प्लांट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर प्लांट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे फिटो रेमिडेशन रे, कहेंगे क्या कहेंगे फिटोरेमिडेशन कहेंगे तो बायोरेमिडेशन करने के लिए जब हम प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा फिटोव रेमिडेशन हो जाएगा ओके लेट सी तो ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था नाम यहां पे आ गया ऑलरेडी सुडोमोनस यूजफुल इन क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोलिटिन फ्रॉम सॉइल एंड वॉटर फर्न दैट एक तरह का प्लांट है ये फर्न पेटेरिस विटाटा ये आर्सेनिक जो होता है सॉइल के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने में काम आता है वो अगर हमने मिक्स कर दिया तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा सनफ्लावर कैन एब्सॉर्ब यूरेम एंड आर्सेनिक तो सनफ्लावर सनफ्लावर अगर आप उगाएंगे तो वो आर्सेनिक और यूरेनियम सॉइल के अंदर से एबजॉर्ब करेगा अः uh, आपको ये बात बताना चाहूंगा जो जापान वगैरह जहां पर ये हिरोशिमा नागासा की है एंड जो रशिया में शनोबल वगैरह हुआ था जहाँ पे ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे उस सॉइल में बहुत सारा यूरेनियम आर्सेनिक वगैरह मौजूद है तो उन्होंने उससे कैसे डील किया उन्होंने बहुत सारे सनफ्लावर प्लांट उगाए जिससे सॉइल के अंदर वो सारा रेडिएशन वाला यूरेनियम आर्सेनिक वगैरह जो है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया तो ये उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की थी तो ये एक आप याद रखिएगा ये सारी बातें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी द बैक्टीरियम डेनोकोकस रेडियो इज हाईली रेडिएशन रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मतलब उसको रेडिएशन से फर्क नहीं पड़ेगा इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड यूज टू एब्सॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम द रेडियोटिव डेब्रीज तो यही बात जैसे मैंने सनफ्लावर की बात की वैसे यहाँ पे इन्होंने वही बात की है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है डेनो डेनोकॉकस रेडियो बहुत ही अजीब सा नाम अगेन जो रेडियो एक्टिव यानी कि वही जगह जहां पे रेडियो एक्टिविटी बहुत है जहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था या कोई इंसिडेंट हुआ था वहां पे इसको हम लोग यूज करेंगे जिसके वजह से वहां का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्रास लाइक अल्फल अल्फल्फ अल्फल, अल्फल्फा बढ़िया ही अजीब नाम फिर से अल्फल्फा राय ये सब फीटो रेमेडेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो यानी प्लांट्स के हेल्प से हम लोग एनवायरमेंट को बचाते हैं तो वो कौन से प्लांट्स है तो ये आपको नाम याद रखने हैं ओके लेट्स मूव रखनेड फूड बायोटेक्नोलॉजी तो फूड बायोटेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट चैप्टर में काफी तो यहां पे उन्होंने डिटेल में नहीं दिया है बस वही लाइन बोल दी है कि फूड आइटम्स लाइक ब्रेड चीज वाइन बियर योगर्ट विनेगर योग प्रोड्यूस विद्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट जैसे अलग होता है वैसे डीएनए भी सबका अलग होता है आप एक डीएनए से कोई भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी और पर्सन का सेम डीएनए नहीं होगा

क्राइम अ चाइल्ड फादर और आपके चाइल्ड का मैच का होता है थोड़ा तो उसके बेस पे पता लगा सकते कि फादर है कि नहीं ये बच्चे का बाप है कि नहीं दिस रिसर्च इज परफॉर्म्ड इन सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद तो ये बताया हुआ है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद में है। पर ये सब का रिसर्च होता है, के बारे में पे फिर से उन्होंने दिया है। जो ऑलरेडी हम लोग ने सेवेंथ चैप्टर में किया था तो जरूर एक बार ये रीड कर लीजिएगा ग्रीन रेवल्यूशन तो इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो ये दो महारथी ने बहुत योगदान दिया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एंड डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलशन एक्सप्लोजन वे स्टार्टेड टू अर इन द बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी तो पॉपुलेशन इतना बढ़ते जा रहा है और उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास उतना सप्लाई ऑफ फूड नहीं है ऑल द कंट्रीज स्पेशली अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज खास करके इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग में आती है अंडर डेवलप अफ्रीका जैसी कंट्रीज वहां पर काफी फूड के क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रॉब्लम आने लग गया वेरियस मैथड्स अपलाइड हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यॉम द मिनिम लैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रीन रेवल्यूशन तो इसी के अंदर जहां पर हमने मैक्सिमम हार्वेस्टिंग किया मैक्सिमम सीड्स उगाए कम से कम लैंड का इस्तेमाल करके इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इम्प्रूवाइज ऑफ वीट, राइस प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड वॉटर मैनेजमेंट हैज लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रीन एंड देयर बाय लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन सेव फ्रॉम हंगर डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग जो यूएसए के हैं डॉक्टर स्वामीनाथन जो इंडिया के हैं इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो है नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में जो है एंड अलाइड ब्रांचेस इनके मिक्स ब्रांचेस साथ में मिलके काम करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोलापुर ये लोग सब मिलके जो है अलग अलग सीड्स एंड क्रॉप्स उगाते हैं uh, बना के देते हैं उगाने के लिए जिससे हमें मैक्सिमम यील्ड और बहुत अच्छा प्रोड्यूस uh, मिलता है दैट इज ऑल ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन आप नाम से ही गैस कर सकते हो मिल्क से रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्ट बेटर करते जाने के लिए बेटर Uh, ज्यादा देर तक वो रहे uh, ज्यादा क्लीन ज्यादा रेजिस्टेंट फ्रॉम खराब जल्दी ना हो मिल्क कब निकलेगा कब पहुंचेगा आपके घर तक तो वो सब के लिए हमें मिल्क का शेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं वो बढ़ाना है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया वेर रिच इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हावेवर दो प्रोडक्ट आर नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ फार फ्लंग रीजन फार फ्लंग यानी कि मिल्क बनता कहीं है मिल्क निकलता कहीं है लेकिन उसे मैं समझो गुजरात में बना है मिल्क आनंद फैक्ट्री वहीं पे है अमूल इसलिए मैं गुजरात एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे और मुझे उसे कश्मीर में पहुंचाना है तो कश्मीर तक पहुंचाने के लिए दूध खराब हो जाएगा कैसे मैं पहुंचाऊं और फ्रेश भी रहना चाहिए तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी का डॉक्टर वेर्गेश कुरेन प्रूव थ्रू कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड यूज बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी दैट डेरी कैनॉट बी अलाइड बट इट विल बी अट्रीम बिजनेस ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद तो यही मैं आपको अभी कह रहा था आनंद जो जगह का नाम है गुजरात अमूल फैक्ट्री उधर ही है अमूल दूध पीता है इंडिया और ये उन्होंने uh, डॉक्टर वेरगेज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल uh, रहा है वाइल अचीविंग द सेल्फ सफिशंसी इन डेयरी बिजनेस वेरियस एक्सपेरिमेंट वे आर परफॉर्म फॉर क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रिजर्वेशन सो अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने शेल्फ लाइफ तो बढ़ा दी उसकी और उसका क्वालिटी कंट्रोल हमने बेटर कर दिया और बेटर बेटर उसके प्रोडक्ट्स बनाते गए और प्रिजर्वेशन में हमने उसको प्रिजर्व करने में हमने उसको और उसका लाइफ बढ़ा दिया जिससे वो हर जगह पहुंच रहा है ब्लू रेवोल्यूशन देखेंगे तो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर क्या है बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम जो है आपके अलग अलग वो हम लोग जब उसको उसको हम लोग ग्रो करते उसको हम लोग कल्चर करते उसको उगाते हैं कल्टीवेट करते है आपके प्रॉन्स वगैरा हो गए वो सारा प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पॉन्स एंड द फिश आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज तो ये बहुत कॉमन है कि एक पूरा जैसे कि आप फोटो देख सकते हो ये पूरा एक पॉन्ड उन्होंने बनाया है जिसके अंदर ये लोग खाली उगाने के लिए ही ये सारा पूरा ये लोग यहाँ पे उन्होंने ये बनाया हुआ है बहुत सारे इसमें उगाए जाते हैं तो बस फिश और श्रिम्स ही नहीं बहुत अलग अलग दूसरे भी वो लोग चीजें उगाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय द एनकरेजिंग द पीपल फॉर So, ज लिया है और ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नील क्रांति मिशन ट्वेंटी सिक्सटीन जिसके थ्रू उन्होंने ये सारे में सब्सिडीज देती है सब्सिडीज यानी एक तरह से आपको पैसे का डिस्काउंट देती है या पैसे का सहूलियत देती है जिसमें आप ये एनकरेज uh, हो ये सारी चीज करने के लिए और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशरी इज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल फ्रेश वाटर फिशेज लाइक रोहू कटला एंड अदर फिशरी प्रोडक्ट्स लाइक श्रिम्प एंड लॉबस्टर्स आर बींग कल्चर्ड ऑन लार्ज स्केल तो ये अलग अलग फिश और श्रिम्प्स वगैरह हम लोग उगाते हैं जो हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स और बायोटेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है तो अगेन ये देखो सारी बातें हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं बस अगेन वापस से हमें उसे रीड करना है पॉइंट वाइज टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज इन द एग्रीकल्चर तो केमिकल फर्टिलाइजर ये तो आपको पता ही होगा केमिकल फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं या ऑर्गेनिक मेन्योर यानी कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक गोबर वगैरह जो हो गया वो सारा कॉम्पोस्ट वगैरह मिक्स हो गया तो ये ऑर्गेनिक हो गया एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ है देशन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है सॉइल एसेंशियल इन एग्रीकल्चर इन फॉर्म ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन तो ये जो अपर सॉइल है वो किससे बनता है humus. Humus आपको पता ही होगा ये सब जो पत्ते वत्ते सब कुछ मिक्स होकर जो बनता है उसे ह्यूमस कहा जाता है कॉम्पोस्ट पूरा

प्लांट्स को उगने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए सॉइल के अंदर हमें नाइट्रोजन पोटेशियम ये सारी चीजें चाहिए और ये सब कुछ हम लोग केमिकली अगर ज्यादा करेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा होंगे तो हमें ऑर्गेनिक जाना है या हमें बायोटेक्निकल बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जिससे वो हमें हार्म ना करे हमारी सॉइल को हार्म ना करे हमारे क्रॉप्स को हार्म ना करे इंसेक्टिसाइड्स तो ये भी हमने एक तरह से पढ़ लिया इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को मारने वाली दवाइयां तो वैसे अगेन केमिकली अगर हम यूज करेंगे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो इंसेक्ट तो मरेंगे लेकिन हमारे क्रॉप्स को प्रॉब्लम हो सकता है अलग अलग जो हमारे यूजफुल है फ्रॉग्स वगैरह उनको प्रॉब्लम हो सकता है फ्रॉग्स यूजफुल होते हैं राइट फील्ड के अंदर राइट right? वैसे स्नेक्स भी यूजफुल होते हैं क्रॉप्स को मारने में तो ये ऐसे एक दूसरे के जो फार्मर फार्मर के फ्रेंड्स है एक्चुअल में उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें जो यूज करना है वो बायो बायो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना है तो, तो, तो दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स लाइक फ्रॉग्स एंड इंसेक्टिवरस बर्ड्स पेस्टिसाइड्स आर यूज ऑन लार्ज स्केल फॉर इंक्रीज इन यील्ड पेस्टिसाइड्स आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन दिस पॉइजन एंटर्स द फूड वेब थ्रू वॉटर एंड फूड

हमें बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें बायो इंसेक्टिसाइड्स बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग वही होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसके अंदर हम कॉम्पोस्ट वगैरह यानी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बायो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे एक तरह से वो बात अब यहां पे हम पढ़ेंगे ना वट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वर्ड्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल and demand of them is ever increasing. Chemical fertilizers and pesticides, having been used on large scale, these poisonous chemicals reach the human body through food and water, and their adverse harmful effects on human and environment become apparent. तो ऊपर हमने जैसे देखा कि हम लोग ने pesticides का इस्तेमाल कर रहे, जो वो पानी में mix होके, क्योंकि पानी भी spread करेंगे हम लोग farm में right, पानी में mix हो जाएंगे, crops में mix हो जाएंगे, और indirectly घूम फिर के humans में mix हो जाएंगे right? तो ये सारा हमें harmful है तो ये चीज हमें नहीं करनी है इसकी जगह क्या करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है वेरियस प्रॉब्लम लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट हैव बिकम सीरियस सो एज टू ओवरकम फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो यही बात मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी कि ज्यादा केमिकल के, के इस्तेमाल से पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन तो बढ़ते ही जा रहा है यानी कि पेस्ट का नंबर बढ़ते ही जा रहा है

बायो केमिकल्स बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है एपिकल्चर क्या होता है लेट्स सी, एपिकल्चर यानी कि बीज को पालना फॉर हनी तो नेचुरली जो है बीज हनी uh, जो बनाते अगर हम लोग वो हनी हाइव हाइव जो पूरा होता है हाइव होता है वो उसे हाइव कहते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता छत्ता भी सो, बोलते छत्ता बोलते आई गेस बरोबर हिंदी में उसे बी हाइव कहा जाता है तो ये इसको लोग जनरली जो होते हैं इसको जला वला के मार फार के उसको ये करते जिसमें बहुत सारे हनीबीज मर जाती है और अगर आपको पता होगा हनीबीज अगर मर गई तो पूरा वर्ल्ड जल्दी ही मर जाएगा ये पूरा एक नोन फैक्ट है तो एपीकल्चर इज समथिंग जिसके अंदर हम मधुमक्खिया का फार्म हनीबीज का फार्म हम बेसिकली करते उन पालते हैं और हम लोग एक ऐसे मेथड से सिंपली मधुमक्खी को हार्म नहीं करते हैं और और हम लोग हनी जो हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं तो लेट्स जस्ट रीड दिस यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम द हाइव इज ड्राइविंग अवे द बीज बाय स्मोकिंग द हाइव बर्निंग द टॉर्च एंड देन कटिंग द हाइव इंटू पीसेस तो ये वर्स्ट मेथड है ऐसा नहीं करना चाहिए दिस मेथड कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइफ लार्ज स्केल ऑफ डेथ ऑफ बीज However, it is easy to collect the 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 honey with destroy, without destroying the hives and the bees. If artificial bee bee box, apiculture तो क्या करते image देखा ऊपर वैसा हम लोग bee boxes, उसे क्या कहा जाता है Bee boxes कहा जाता है Bee boxes. ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें उन लोग जालियों में वो लोग अपना हनी इकट्ठा करते हैं और हम लोग बाद में इसको अलग से हनी ले लेते कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स तो मेडिसिनल प्लांट्स तो हम लोग पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं आयुर्वेदा आयुर्वेदिक में हम लोग राइट अडुलसा वगैरह आपको सीरप का नाम पता होगा तो अडुलसा एक्चुअली एक प्लांट का नाम है तो लेट्स लेट्साइवर्सिटी इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के आपको प्लांट्स मिलते हैं जिसमें मेडिसिनल प्लांट हमारी खासियत है इंडियन सिटीजन है हम्बल स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर

वेअर कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट हाउ एवर ड्यू टू डिप्लीशन इन फॉरेस्ट एरिया मेडिसिनल प्लांटिंगल्टिड तो अब अगेन फॉरेस्ट एरिया खत्म होते जा रहा है तो मेडिसिनल प्लांट आसानी से नहीं मिल रहा है तो उसको भी हम कल्टिवेट करते हैं और उसका हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन वाले सिरप कफ सिरप वगैरह बनाने में फ्रूट प्रोसेसिंग तो यह हमने आ, मैंने आपको बोला था कि कैसे हमें साल भर मैंगो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते तो यहाँ पे आपको फोटो दिया है मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट का तो ये ये सारी चीज तो खराब हो सकती है लेकिन इसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसे हम लोग जैम में बना देते हैं उसे हम लोग ये माजा जो बेसिकली आप जूस पीते हो तो ये सारी चीज में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सीरप वगैरह में तो कैसे पॉसिबल है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स ऑल आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट जूस जैम जेलिस ऑल दिस प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाई प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट फ्रूट आर पेरिशेबल एग्रो प्रोडक्ट पेरिशेबल यानी वो जल्दी सड़ जाते हैं तो उसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे लंबे समय तक विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट नीड्स प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग वही करते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर लेते हैं उसे कन्वर्ट करके इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द इ फ्रूट प्रोसेसिंग drying, वेरियस air tight एयर टाइट पैकेजिंग evaporating etc. तो मुरब्बा तो आपको पता होगा आपके घर में बनता होगा आम का सीजन जब आता है मुरब्बा बना के रखते हैं मीठा सा लगता है उसमें कच्चा आम रहता है मीठा उसमें गुड़ वगैरह मिला के उसको बनाया जाता है मुरब्बा गुजराती घर में जनरली बहुत ही कॉमन है थेपले वगैरह के साथ खाया जाता है ये So, ये अब पूरे साल आप खा सकते हो तो ये प्रिजर्वेशन हो गया तो फ्रूट प्रोसेसिंग करके आप ये सारी चीजें करते हो तो ये जो आप कर रहे हो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया आपने या आपने इंडस्ट्री में उसको जूस में कन्वर्ट कर दिया सीरप में कन्वर्ट कर दिया बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमारी ह्यूमन लाइफ कितनी बेटर हो गई यही हमने यहां पर पढ़ा इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था बेसिकली पूरा फैक्ट चैप्टर था फैक्ट आपको एक एक दिए थे अलग अलग जो आप बहुत सी चीजें जानते ही हो लेकिन उसके हमने टेक्निकल नाम देखे टेक्निकल यूज देखे टेक्निकल टर्म्स देखे एंड पॉइंट वाइज पूरा चैप्टर था ऑलरेडी प्लीज अच्छे से चैप्टर को रीड करिएगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिए चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में चैनल बहुत से अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे रखिए अपने पेरेंट्स के व्हाट्सअप स्टेटस पे रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टेक केयर रीड द चैप्टर कीप लर्निंग कीप शेयरिंग कीप स्माइलिंग थैंक यू सो मच बाय टेक केयर